फ्रेंड्स, अभी मैं गया था रॉक गार्डन, जो कि पहाड़ के बहुत ही नीचे है, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक मुझे केवल इस प्रकार का पहाड़ चढ़ना है। देखिए, केवल ऊंचा, बस धीरे धीरे करके ऊंचा होते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। इधर चाय के खेती हुए, यहाँ पे केवल चाय ही चाय का लगाया गया है। और देखिए किस प्रकार से नीचे से आना है, कुछ इस प्रकार से, और पूरा मुझे 5 किलोमीटर दूर तक इस प्रकार का रोड से ही जाना पड़ेगा। तो दिमाग ख़राब हो गया यार, क्या बताऊँ। और इधर देखिए, पूरा दार्जिलिंग में है, तो दार्जिलिंग में तो केवल चाय का खेती होता है, तो देखिए इधर पूरा चाय का ही खेती है। और चाय में फूल होता है ना, ये देखिए इसका फूल, चाय का फूल ये रहा, देख रहे हैं कुछ, तो कुछ इस प्रकार का रहा चाय का पूरा खेती। तो देखिए कैसे होता है चाय का खेती दार्जिलिंग में, और इसके फूल रहे ये सब, देख रहे हैं। तो पैदल आने में हालत तो ख़राब हुआ है, अभी भी हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उतना तो झेलना पड़ेगा हमें। और एक गाड़ी आ रहा है, ये देखिए, अकेला होते तो हम इससे लिफ्ट जरूर मांगते, बट ये दो लोग ऑलरेडी है तो इससे लिफ्ट भी नहीं मांग सकते। और यहाँ का घर देखो भाई, कुछ इस प्रकार का, देखिए पहाड़ पे घर। और कुछ इस प्रकार का रहा, और चारों दिशाओं में केवल पहाड़ी पहाड़ है, और सब वहीं से घूम कर आ रहे हैं जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ। और देखो भाई नीचे कैसे, किस प्रकार से नीचे तक पूरा चाय का खेती है, देखो यार गजब, पूरा किस प्रकार का है, देख रहे हो। चलो, और ये देखो क्रिसमस ट्री इसको बोलते हैं, और पहाड़ का व्यूज कुछ इस प्रकार का रहा यहाँ से। और इधर का घर देखिए, हाँ लेकिन पैदल भी चलने का मज़ा है थोड़ा, लेकिन थक सा जाते हैं यार पूरा पूरा। और यहाँ पे भी पूरा चाय का ही खेती है, हर जगह चाय ही चाय, चाय ही चाय। ये देखो कुछ इस प्रकार का है, ये रहा पूरा चाय का खेती, देख रहे हो। और भाई अब हमसे नहीं चला जाएगा, थोड़ा देर यहाँ पे बैठते, देखो कैसा जगह पे हमको बैठना पड़ रहा है। तो चलो बैठ लेता हूँ थोड़ा देर, 5 मिनट बाद फिर चलते हैं। और ये इधर पूरा चाय का खेती। तो भाई यहाँ पे बैठकर काफ़ी देर आराम भी कर लिया, अब लगभग 5-10 मिनट हो गया, और ठंडा ठंडा हवा बह रहा है। ऑरेंज वैली, तो ऑरेंज वैली से होकर, चाय गार्डन से होकर अभी हम गुजर रहे हैं। खुशी भी है, गम भी है, हर चीज़ है ज़िंदगी में, कोई बात नहीं। और भाई वहाँ से आते आते अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, देखिए किस प्रकार से नीचे से ऊपर जाना है, कुछ इस प्रकार से अभी। और यहाँ पे जो कुत्ता है वो मेरे पीछे लग गया है यार, और यहाँ पे कोई लोग आ नहीं रहे जो उनके साथ हम जाए, तो ये भी प्रॉब्लम है, फोर व्हीलर है। तो भाई देखो ये भैया मिल गए हैं, और भैया के लिफ्ट दे रहे हैं, और लिफ्ट से अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। तो अनजान जगह पे भी अपने लोग मिलते हैं, ऐसा आप लोग भी समझिए, सोचिए और देखिए। और देखिए कैसा रोड है, और ये पूरा टी गार्डन से होता हुआ जा रहा है, पूरा टी गार्डन है। तो चलिए भैया बाय, अब चलते हैं। और भैया लिफ्ट दिए, काफ़ी नीचे से ऊपर लाए, और मुझे कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और इस बीच भैया हेल्प किए, थैंक यू भैया।